और आपको कोई भी डाउट हो तो आप किसी भी समय कमेंट करके अन्य अकेडमी लर्निंग ऐप में मेरे प्रोफाइल में मैसेज करके आप कमेंट पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग अभी डिस्कस करने वाले कुछ बेसिक फॉर्मूला, प्रीवियस लेसन में देखे होंगे कैसे हम लोग त्रिकोणमिति रेशियो डिस्कस किए थे। तो चलिए कुछ फॉर्मूला है जो कि बहुत आपको यूज़ होने वाला है पूरे त्रिकोणमिति में, तो पहले उसको डिस्कस करते हैं। ये फॉर्मूला एक्चुअली बेसिक है, आप इससे जनरेट कर सकते हैं, देखते कैसे। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है। अगर ये फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो इससे आप दो फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा अगर हम लोग इस साइड रखें, कॉस स्क्वायर किधर ले जाएं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रखें और साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएं, तो ये माइनस हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तीन बेसिक फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना बहुत जरूरी है, कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोग इसको यूज़ करेंगे। एक ये फॉर्मूला था। दूसरा, हम लोग टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। और कॉट थीटा जस्ट इसका उल्टा होता है, तो इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो इसीलिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा, ये साइन साइन कट के कॉस कॉस कट के आ जाएगा वन। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा वन होता है, ये भी आपको याद रखना है। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है वो सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए हम लोग और दो फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे वन को इधर ही रखें तो टेन को उधर ले जाएंगे, तो वन इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दो फॉर्मूला निकलेगा। वन प्लस वन को इधर रखेंगे और कॉट को उधर ले जाएंगे, तो वन इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया हो। कॉट स्क्वायर थीटा अगर आप इधर रखते हैं, वन को उधर ले जाते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। देखिए एक ये फॉर्मूला भी निकल गया। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये सारे बेसिक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। इसी से कई फॉर्मूला आप जनरेट कर सकते हैं, और आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसको यूज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है इक्वल टू ये होता है। गाइस, जब हम लोग इसको हाई लेवल का क्वेश्चंस करेंगे तो भी हम लोग देखेंगे कि कैसे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन आया। एक्चुअली प्रीवियस लेसन में जब आप देखे होंगे कैसे हम लोग त्रिकोणमिति रेशियो निकालते हैं, साइन थीटा बराबर पी वाई एच होता है, कॉस थीटा बराबर बी वाई एच होता है, और इसको हम लोग सॉल्व करके वन लाते हैं। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा डाउट। ये आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें, या फिर आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपके बहुत यूज होने वाला है। अब देखिए क्या है, कुछ और इंपॉर्टेंट वैल्यू हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा का वैल्यू हमको 0 से 90 बाय हार्ट याद होना चाहिए। कहने का मतलब, आपको जैसे पूछ ले टैन 60 का मान क्या होता है, आपको रूट 3 बोलना है। कॉट 30 का मान आपको रूट अंडर 3 बोलना है। कोसेक 30 का मान आपको 2 बाय रूट 3 बोलना है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप नोट डाउन कर लें। ये फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। कई बार रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो ये बहुत ईजी होगा, अगर आपको वैल्यू याद होगा तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसका एक तरीका भी होता है, अगर आप निकाल सकते हैं इसका वैल्यू को। देखिए 0 डिग्री 30, 45, 60 और 90 तक का वैल्यू लिख लेना है, मतलब यहां तक लिख लेना है 0, 30, 45, 60, 90। उसके बाद क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4 यहां तक लिख के सबको 4 से नीचे डिवाइड कर देना है, सबको नीचे 4 से डिवाइड कर देना है। उसके बाद रूट इस तरह से रूट चला देना है, ठीक है। और उसका जो जैसा होगा सॉल्व कर लेना है, आपको साइन थीटा का ये वैल्यू निकल जाएगा 0, 1 बाय 2, 1 बाय रूट 2, रूट अंडर 3 बाय 1, सॉरी 3 बाय 2, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। जस्ट इसको आपको उल्टा कर दीजिए, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा, कॉस 30 का वैल्यू रूट अंडर 3 हो जाएगा, रूट अंडर 3 बाई 2 हो जाएगा। साइन 45 का वैल्यू 1 बाय रूट अंडर 2 हो जाएगा, और कॉस 45 का वैल्यू 1 बाय रूट अंडर 2, और कॉस 60 का वैल्यू जो इसका होगा वो यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से आप टैन थीटा का अगर याद रखते हैं, जस्ट इसका उल्टा करते हैं तो कॉट का याद हो जाएगा। कॉसेक थीटा का आप याद करते हैं, जस्ट इसका उल्टा करते हैं तो आप इसका याद हो जाएगा। इसको याद करना बहुत जरूरी है, प्लीज़ आप याद कर लीजिए। और क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा क्वेश्चंस, तो हम लोग को याद हो जाएगा, ये बिना रटे भी याद हो जाएगा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से। कुछ और इंपॉर्टेंट देखते हैं, अब कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं त्रिकोणमिति रेशियो पे, जो कि हम लोग प्रीवियस लेसन पे सीखे थे। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, आपको ये बाय हार्ट याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 1 बाय रूट अंडर 2, कॉस थीटा बराबर 1 बाय रूट अंडर 2, तो कॉट थीटा निकालना है। गाइस ये बेसिक क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग हाई लेवल का क्वेश्चन भी करेंगे। अगर आपको याद है तो प्लीज़ रिवीजन कर लीजिए, और जिनको नहीं आता वो अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है। क्योंकि कोर्स डिजाइन किया गया है एकदम बेसिक से हाई लेवल तक के लिए, ठीक है। सभी स्टूडेंट को देखते हुए कोर्स डिजाइन किया हुआ है, इसलिए हम लोग बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए अब हमको कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है, और हम लोग जस्ट यहाँ पे देखे थे कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ 1 बाय रूट अंडर 2, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ 1 बाय रूट अंडर 2, ये कट के यहाँ पे देखिए 1 आ गया। तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये आपका आंसर है। बहुत ईजी है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझना है। साइन थीटा बराबर दिया हुआ आपको रूट अंडर 5 बाय 3, एंड कॉस थीटा बराबर दिया हुआ 1 बाय रूट अंडर 3, देन टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, हम लोग देखें यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं,
साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है रूट अंडर 5/3, यहाँ दिया हुआ कॉस थीटा का वैल्यू 1/√3, ये 3 कट जाएगा गाइस, ये देखिए कट के, तो रूट अंडर 5 हमारा आंसर हो जाएगा। टेन थीटा का वैल्यू क्या निकला, रूट अंडर 5 निकला। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर रूट अंडर 5/2, देन फाइंड कोसेक थीटा। अब साइन थीटा आपको दिया हुआ है, कोसेक थीटा निकालना है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, प्रीवियस सेशन हम लोग देखे हैं। जस्ट इसका वैल्यू पुट करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, हमारा कोसेक थीटा निकल जाएगा। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। इस पर आपको कई और क्वेश्चन सॉल्व करना है जिससे आपका प्रैक्टिस बना रहेगा और बहुत ही आसानी से आप रेशियो का क्वेश्चन कर पाएंगे। अब देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, If 5 tan theta equal to 4, then find 5 sin theta minus 3 cos theta, 5 sin theta plus 3 cos theta। रेलवे के एग्जाम में कई बार डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब गिवन क्या है हमारे पास, tan theta बराबर, देखिए ये 5 को हम इधर ले जाएं तो ये 4/5 हो जाएगा, तो tan theta बराबर 4/5 हमको दिया हुआ है। हम लिख सकते हैं ये क्वेश्चन का वैल्यू निकालना है, तो 5 sin theta minus 3 cos theta, 5 sin theta plus 3 cos theta। ऑन डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा, ऊपर और नीचे दोनों को हम लोगों को कॉस थीटा से डिवाइड करना है, ठीक है, क्योंकि हमें टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे कॉस कॉस करेंगे, कॉस कट जाएगा और यहाँ पे टेन थीटा आ जाएगा। अगर यहाँ पे कॉट थीटा का वैल्यू दिया रहता तो हम लोग ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को साइन थीटा से वैल्यू डिवाइड करते, जिससे आपका साइन थीटा और साइन थीटा कट जाता, तो आपका यहाँ पे कॉट थीटा का वैल्यू आता, ठीक है। अब हम लोग डिवाइड दे रहे हैं, देखिए साइन थीटा 5 थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, 5 साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बाई साइन थीटा। हम लोग जब भी किसी को किसी चीज़ से ऊपर डिवाइड देते हैं तो उसी चीज़ से हम लोग को नीचे भी डिवाइड देना होता है, क्योंकि हम ताकि हम लोग का वैल्यू चेंज ना हो। ये कॉस कॉस कट जाएगा, हमारा कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर आप कॉस थीटा से इसको नोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं तो आपको डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना होगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब ये कॉस थीटा कट गया, ये कॉस थीटा कट गया, तो 5 टेन थीटा माइनस 3, 5 टेन थीटा प्लस 3। टेन थीटा का वैल्यू दिया होता, जस्ट आप पुट कर दीजिए, 5/4/5 माइनस 3, 5/4/3 प्लस 3। ये आपको सॉल्व जब इसको करेंगे तो क्या होगा, ये 5/5 कटेगा, ये 5/5 कटेगा, 4-3, 4+3, 1/7। तो इसका जो वैल्यू होगा आपका 1/7 होगा। इस अप्रोच से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है गाइज। आप को थोड़ा सा टफ लग रहा होगा जो पहली बार देख रहे हैं, और जिसको आता है उनके लिए बहुत इजी लग रहा होगा। तो आप 2-3 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, क्लास 10th के बुक में मिल जाएगा, और आपका क्लास 10th का बुक में या फिर प्रीवियस ईयर के एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन है। आप सॉल्व कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये गाइस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। बहुत इजी है, बट ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। अब 6x इक्वल टू sec थीटा एंड 6x इक्वल टू tan थीटा दिया हुआ है आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ब्रैकेट में x² - 1x², इसका वैल्यू निकालना है आपको, ये दिया हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है, जस्ट सॉल्व करना है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। वी हैव 6x इक्वल टू sec थीटा, इसको समीकरण 1 मानना है, और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 6x इक्वल टू tan थीटा, इसको 2 मानना है। अब करना क्या है, एडिंग 1 एंड 2, हम लोग को दोनों को जोड़ देना है, तो क्या आएगा, 6x sec थीटा प्लस tan थीटा ऐड हो जाएगा। 6 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x 1/x, यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा, इसको इक्वेशन 3 मान लेना है। अब क्या करना है, फिर से इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, हम लोग ऐड किए अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट मतलब घटाने के बाद ये आएगा, 6 ब्रैकेट x माइनस 1/x sec थीटा माइनस tan थीटा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई द क्रॉस्पॉन्डिंग साइड ऑफ 3 and 4, मतलब इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या मिलेगा, 36 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा, x² - 1x², अब ये sec थीटा प्लस tan थीटा है, sec थीटा माइनस tan थीटा है, इसका मतलब a प्लस b और a माइनस b, तो a² - b², तो इसलिए sec² θ - tan² θ हो जाएगा। अब हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके थे जब हम लोग फॉर्मूला डिस्कस किए थे बेसिक क्वांटिटी का,
यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, अगर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कर दे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है फॉर्मूला से, इसलिए आपको फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। अब 36 को हम 9 इंटू 4 लिख सकते हैं क्योंकि हमको यहाँ पे 9 का रूप इसमें लाना है। अब 4 क्या होगा, इधर आ जाएगा, तो 9 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 4 आपका आंसर आ जाएगा। गाइज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया, एसएससी सीजीएल के एग्जाम से प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, रेलवे ग्रुप डी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और क्लास 10th के लिए तो